प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत। हालेलुया। आपको पता है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आप आते हैं, ऐसे तो नहीं आते ना, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कर्जा, घर में कलह, बच्चों की प्रॉब्लम, पति की प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ होती है, जिस प्रॉब्लम को आप लेकर परमेश्वर के चरणों में आते हैं। लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर क्या देखता है और परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पूरी तरीके से मुकम्मल सिद्ध कर दूं, पूरी तरीके से। आपको पता है जो आप नहीं मांगते हैं ना, वो भी परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है आपकी जरूरतों को, यीशु जानता है आपकी जरूरतों को। इसलिए आप जब कलीसिया आते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, तो कोई एक समस्या के संग आते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरी शांति, मेरा आनंद मेरे बच्चों में बना रहे। आमीन। बहुत प्यारा है परमेश्वर हमारा, बहुत। हम यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में जितना जाने उतना कम है। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम के बारे में जाने। वो जानता है कि हम उसके पास क्यों आए हैं, उसने क्यों बलिदान दिया है। वो चाहता है कि हम, मेरे बच्चे जाने मेरे मन को कि मैं क्या हूं, मैंने क्यों आपको चुना है, मैं क्यों आपसे प्यार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन हम शुरू करते हैं, हमारी बहन पढ़ेगी मती 14 का 14 से 20 तक के बीच में। ये दृष्टांत है 5 रोटियां और 2 मछलियों के लिए। 5 रोटियां और 2 मछलियों का दृष्टांत आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से उसको समझाया। परमेश्वर ने इस तरीके से मुझे समझाया ताकि मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊं, ताकि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, वो क्या चाहता है। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के अद्भुत प्यार के बारे में आपको बताने वाला हूं कि वो कैसा प्यार है। पढ़िए बेटा 14 से, मती 14 से। देखिए ये वाक्य हुआ यूहन्ना बपतिस्मा वाले के जब डेथ हुई, जब हेरोदेस ने उसका गला काट दिया अपनी पत्नी के कहने पर। ये अलग स्टोरी है जो आपको पता भी होगा। तो यीशु मसीह उस अनजान एक निर्जन स्थान में आया, दुखी था वो क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाले का गला काट दिया था, लेकिन ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। और वहां पर लोग ढूंढते ढूंढते उसको, उसके पास आए, और देखिए उसका क्या रिएक्शन होता। 14 पढ़िए बेटे, 14 से पढ़िए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, हाँ, और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हे बहन, उस भीड़ पर तरस खाया। हे बहन, मेरा परमेश्वर जब आपको देखता है, जब आपको भटकते हुए देखता है, जब वो देखता है कि आप कहां, आपको क्या मिलना चाहिए था और आपको क्या नहीं मिल रहा है, जब वो ये देखता है कि मेरे बच्चे को, जिसको मैंने अपना बलिदान दिया, जिसको मैंने चुना है, वो आज मेरी कीमत को नहीं जानता है, आज वो मेरे बलिदान को नहीं जानता है, आज वो मेरे प्रेम को नहीं जानता है, तो उसको तरस आता है। वो तरस आता है, आपको देखता है कि आप सालों साल कलीसिया आ रहे हैं, सालों साल से कलीसिया आ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे, आप यीशु के करीब नहीं आ रहे हैं, उसको आप पर तरस आता है। ये बच्चा क्यों नहीं जान पा रहा है मुझे, क्यों संसार का मोह इसको बांधे हुए है, क्यों अभी भी संसार पर भरोसा करता है,
कि मुझे चलाने वाला मेरा बिजनेस है, मुझे चलाने वाला मेरा चाचा है, मामा है, ताया है, मुझे चलाने वाला नौकरी देने वाला है। क्यों अभी तक ये नहीं समझ रहा है कि मार्ग सत्य जीवन सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है। यीशु के बिना आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। ये पैसा धरा का धरा रह जाएगा, ये ताकत, ये कुर्सी, ये नामो निशान, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास अगर आप उसकी कीमत को नहीं जानेंगे, अगर आप उसके करीब उसके चरणों में सब कुछ देते हुए समर्पित मन से नहीं आएंगे, कुछ नहीं पाएंगे आप। इसलिए उसे तरस आता है कि ये जो भीड़ आ रही है, ये जो भीड़ है, ये मेरे पास आ रही है कुछ मांगने के लिए। ये भीड़ जो मेरे पास आ रही है, ये शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करना चाहती है। ये जो भीड़ आ रही है, ये चाहती है कि मैं इनके जीवन में काम करूं। उसे तरस आता है। मैं आपको बताऊं, जैसे यीशु का स्वभाव है वैसे ही परमेश्वर का स्वभाव है। वही स्वभाव परमेश्वर का है। वो आपकी हर दुर्बलता को दूर करना चाहता है। वो आपको हर कीमत पर आशीष देना चाहता है। वो आपका छोटी से छोटी चीजों को भी ध्यान देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसे तरस आता है कि मेरी बच्चा, मेरी बच्ची समझ नहीं रही है। हालेलुया। पढ़िए आगे बेटा। जब साँझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। हाँ जी। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं है। जी हाँ। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया। Amen, हालेलुया। अब आप इस दृष्टांत को समझ गए। तकरीबन 5,000 लोग थे, 5,000 पुरुष थे, 5,000 स्त्रियां, 2,000 लड़के बच्चे, यानी कि 12,000 लोग थे तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली। तो 12,000 लोग थे जो उसके पास आए। इससे पहले कि अगर आप वचन पढ़ेंगे 13वां, तो उसमें बताया गया है कि उसने सबको चंगा किया। तो लोग जो उसके पास आए थे क्या कराने आए थे? चंगाई कराने के लिए आए थे, शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आए थे। किसी को गले की प्रॉब्लम थी, किसी को कैंसर था, किसी कोई देख नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था, किसी की किडनी खराब थी, डिफरेंट उनको प्रॉब्लम्स थी, जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, अगर हम 13वां वचन देखेंगे। लेकिन उसके बाद वो बियामैन एक रेगिस्तान में था, जैसे वचन कहता है निर्जन स्थान में था, जहाँ कहीं लोग नहीं आते थे, लोग ज्यादा नहीं आया करते थे, वहां पर उसने जाकर वो बैठा करता था। तो वहां पर लोग आए और उससे आशीष पाना चाहते थे। तो बाइबल बताती है, वचन बताता है कि यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, किसी एक को भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। लेकिन जब शाम हो गई तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने चेलों से कहा कि इन्हें खाने के दीजिए। शाम हो रही है। देखिए मेरे भाई, परमेश्वर जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है। परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा करना नहीं चाहता है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम चर्च आते हैं सिर्फ अपनी बीमारी के लिए, या अपनी नौकरी के लिए, या अपने कर्जों से मुक्त होने के लिए। कलीसिया, मैंने आपको कई बार बताया है, कलीसिया इसलिए बना है, बाइबल इसलिए है, ताकि हम उसके प्रेम को जानें,
कि वो कितना प्रेमी है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो आपको पूरी तरीके से सक्षम करना चाहता है, आपको पूरी तरीके से आपके जीवन में सुख देना चाहता है, आपको तृप्त करना चाहता है पूरी तरीके से। इसलिए उसने क्या कहा फिलिपस से कि जाओ फिलिपस इनको खाने के लिए दो। उसने कहा नहीं नहीं आप यहां नहीं, आप यहां इनको रख नहीं सकते हैं। उसने कहा गुरु इनको भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए जाके वो अपने लिए रोटी लाए, यहां अंधेरा है, रात हो जाएगी, रहने की जगह नहीं है, कहां से खाना मिलेगा, हम नहीं खाना दे सकते। हेलो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, जब आप संसार से उम्मीद करते हैं ना अपने खाने पीने के लिए ना, तो संसार आपको तोलता है। हम क्या दे सकते हैं, हम क्या नहीं दे सकते हैं, हमें देने में कितना फायदा है, कितना नुकसान है, आप कितने के काबिल हैं, कितने के काबिल नहीं हैं, संसार तोलता है। जब आप संसार से मदद मांगने के लिए जाते हैं, चाहे संसार आपका रिश्तेदार हो, चाहे संसार आपका दोस्त हो, चाहे संसार आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, संसार आपको तोलेगा, आपको जांचेगा, फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा, वो भी शर्त रखेगा, आज मैं दे रहा हूं कल मुझे वापस करो। होता है कि नहीं होता है? संसार शर्तों पे चलता है। इसलिए फिलिपा बोल रहा है कि साहब यहां इनको कुछ नहीं मिलेगा, रात होने वाली है, ये बिया बयान जंगल है, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा यहां पर, पीछा छोड़ा रहा है, अपने चेले अपना पीछा छोड़ा रहे हैं, यह कुछ नहीं मिलेगा, इनको भेजिए, 12-15 हजार लोग हैं, हम नहीं दे सकते हैं। संसार आपके रिश्तेदार आपसे पीछा छुड़ाते हैं, अगर आप जंगल में फंस गए, अगर आप मुश्किल में फंस गए, अगर आप कहीं रात में फंसे होंगे और आप फोन करेंगे कि भैया मैं रात में यहां फंसा हुआ हूं, आपके रिश्तेदार आपके दोस्त पीछा छुड़ाएंगे भैया कि अपना कर लो। फिलिपुस ने कहा इनको भेज दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, चाहे जंगल हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे संकट हो, चाहे कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, जब आप उसके पास आते हैं तो वो कहता है कि मैं हूं। यीशु मसीह शर्त नहीं रखता, यीशु मसीह शर्त नहीं रखता। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपुस ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरु, इनको भेज दीजिए आप कहीं खाने के लिए। क्या कहा यीशु मसीह ने कि इन्हें मेरे पास लेकर आओ। हेलो, क्या कहा यीशु मसीह ने? इन्हें मेरे पास लेके आओ। क्या कहना चाहता है यीशु मसीह? क्या अब तक वो उसके साथ नहीं थे? क्या अब तक लोग उसके पास नहीं थे? अभी तो उसने लोगों को चंगा किया था, वचन से हाथ रखकर चंगा किया था, उसके पास थे। क्या कहना चाहता है यीशु मसीह कि मेरे पास लाओ, मेरे पास आओ? वो क्यों चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए? किस लिए? ताकि मेरे बच्चे पास आकर मुझे जाने। आमीन। दूर से तो आप चंगाई पालेंगे उसके नाम से, लेकिन आपको अनंत काल का जीवन, आपको अनंत शांति तभी मिलेगी जब आप उसके पास जाएंगे।
आपको सुरक्षा का एहसास तभी होगा जब आप उसके पास जाएंगे। जब आप उसके पास जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो ऐसा पिता है कि अपने इकलौते पुत्र को वो आपके लिए बलिदान करने के लिए तैयार है। वो संसार नहीं है, वो संसार नहीं है जो बहाने बनाए, वो देने वाला है। संसार ने तो मना कर दिया कि इनको रोटी नहीं मिलेगी। Praise the Lord। वो क्या कहता है, मेरे पास, इन्हें मेरे पास लाओ। मेरे भाई मेरी बहन, हम कलीसिया में क्या पाना चाहते हैं, चंगाई? हम कलीसिया में आकर क्या पाना चाहते हैं, कर्जों से मुक्ति? हम कलीसिया में आकर क्या पाना चाहते हैं, अपने रूठे हुए पति को मनाना, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य? यीशु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जब हम उसके पास जाएंगे ना, तभी हम समझ पाएंगे कि वो क्यों मरा, उसने बलिदान क्यों दिया, उसने अपना लहू क्यों बहाया, इतना कष्ट यीशु मसीह ने क्यों सहा हमारे लिए, इतना दर्द यीशु मसीह ने क्यों सहा हमारे लिए। उसके क्रूस पर जाने का मकसद, मर के जीवित होने का मकसद, आपको शुद्ध करने का मकसद, आपके लिए पश्चाताप करने का मकसद, अपनी धार्मिकता आपको देने का मकसद क्या है, और फिर उसके बाद अपनी आत्मा बयाने के रूप में आप तक पहुंचाने का मकसद? प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो मेरे पास आया है, वो चाहता है मेरा बच्चा जो कलीसिया में आया है, वो चाहता है मेरी बहन जो कलीसिया में आई है, जिसकी आंखों में आंसू हैं, जिसके सीने में दर्द है, जिसकी टांग में दर्द है, जिसके पेट में दर्द है, जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, जो कर्जे में है, जिसके पास आशा नहीं है, वो अगर मेरे पास आता है तो मुझे जाने, मुझे जाने। वो सिर्फ चंगाई लेकर नहीं जाए, सिर्फ चंगाई लेकर ही हमें घर वापस नहीं जाना है, हमें यीशु को अपने साथ लेकर घर जाना है। इसलिए उसने क्या कहा, प्रेज द लॉर्ड, इन्हें मेरे पास लाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमने आशीष पाया है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, दूसरा पत्रस 1:2 अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस 2 Peter 1:2 अगर हम पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह कैसे बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन में परमेश्वर शांति कैसे बढ़ाना चाहता है। पढ़िए बेटा, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारे जीवन में बहुतायत से कैसे बढ़ती जाए, हेलो ध्यान दीजिए, परमेश्वर और यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। जितना हम यीशु को पहचानेंगे, जितना हम उसे जानेंगे, जितना हमारा रिश्ता उसके संग मजबूत होगा, जितनी हमारे अंदर उसके अंदर पहचान होगी, हम करीब आएंगे, उतना ही अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। आपके हाथ में आपका चमत्कार है, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ना आपके हाथ में है। जितना आप उसके करीब आएंगे,
प्रेज द लॉर्ड। जितना आप उसके करीब जाएंगे परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। देखिए, आप दुनिया से मांगेंगे तो दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली। यीशु मसीह के चेले जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, तब भी चेलों ने यीशु मसीह से यह नहीं कहा कि अरे यीशु मसीह इनको बाहर क्यों भेजना है, तू है ना हमारे साथ, अनंत काल का जीवन तो तेरे साथ है, दे दे आत्मिक रोटी इनको, भर दे इनकी झोली, इनको तृप्त कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन चेले नहीं समझे थे, इसलिए चेलों ने कहा नहीं, क्योंकि संसार में थे, संसार आपको कुछ नहीं देगा। नीति वचन 23 का 6 और 7, नीति वचन 23 का 6 और 7 पढ़िए, देखिए बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ा अच्छा वचन है। जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा रखना करना। जो ढा से देखता है, कैसे देखता है, ईर्ष्या से देखता है, जलन से देखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपनी बाइबल में आपको पढ़ के दिखाता हूं, नीति वचन का 23 का 6 और 7, जो कुड़कर देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसके नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की लालसा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुड़कर देखता है, जिस संसार में आप रहते हैं ना, जिस संसार की आप ख्वाहिश करते हैं ना, वो कुड़कर देखता है, उसको आपके बढ़ने से खुशी नहीं होती है, उसके आपके अंदर आपके जीवन में बरकत होगी उसको खुशी नहीं होगी, चाहे आपका पड़ोसी हो चाहे आपका रिश्तेदार हो, आप सुखी होंगे, आप एक कार लेंगे, आप अपने पड़ोसियों को बताइए, आप उनकी हंसी से खुशी से समझ जाएंगे कि वो दिल से खुश नहीं हुए, आपको पता लग जाएगा। आमीन। जो कुड़कर देखता है, जो डहा से देखता है उसकी रोटी ना खाना। हेलो। जो ईर्ष्या रखता है आपसे, परमेश्वर क्यों यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाना चाहता है, क्योंकि आप उस प्रेम को जानो, प्रेम को जाने जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जिसमें डहा नहीं है, जिसमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हम उस प्रेम को नहीं जान पा रहे हैं, यीशु मसीह उस प्रेम को आपको दिखाना चाहता है, जिस प्रेम में कोई ख्वाहिश नहीं है, जिस प्रेम में कोई शर्त नहीं है। वो आपको अपने पास इसलिए नहीं बुलाता कि उसे कुछ चाहिए, वो आपको अपने पास इसलिए बुलाता है ताकि उसका जो सामर्थ है वो आपको दे दे, उसके पास जो रोटी है वो आपको दे दे, और आप ऐसे तृप्त हो जाएं कि जिसमें शांति और आनंद हमेशा आपके जीवन में बना रहे। इसलिए वो कहता है जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो ढा से देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पति की अगर नौकरी छूट जाती है और वो 10 दिन 1 महीना 2 महीना बिना नौकरी के खाना शुरू करता है घर में, तो पत्नी बोलती है ध्यान दो भाई, कहाँ से खा रहा हो, क्या हो रहा, कब तक खाते रहोगे ऐसे ही, कब तक बैठे रहोगे। पति बोलते है अपनी पत्नी से कि तुझे खाना खाना तो काम भी कर, ऐसे नहीं मिलेगा खाना। अरे क्यों, आप तो पति हैं, तो भी क्या हुआ, काम करेगी तो खाएगी। मैन, क्या यीशु ऐसा बोलता है? यीशु कहता है मेरे बच्चे आ,
उसने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहा दिया, एक एक कतरा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको अपने पास क्यों बुला रहा है? ताकि आप उसके प्रेम को समझें। प्रेज द लॉर्ड। वो जो कुड़कर देखता है उसकी रोटी ना खाना, ना उसके नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की लालसा करना, क्योंकि वो ऐसा मनुष्य है जो मन में हिसाब लगाता है। वो तुझसे कहता है खा और पी, पर उसका हृदय तुझसे नहीं लगा। आजकल यही हो रहा है, हिसाब लगाता है। क्या कर रहा था फिलिपस? हिसाब लगा रहा था। यीशु मसीह, अगर इतनों की हम रोटी मंगवाएंगे तो 300 दिनार की आएगी, इतने लोगों की रोटी हम नहीं मंगा सकते, इतना पैसा लग जाएगा। यीशु कहता मेरे पास लेकर आ, मैं हिसाब नहीं लगाता हूं। यीशु मसीह ने हिसाब नहीं लगाया, यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सातवां पढ़ो बेटे दोबारा, 23 का सातवां। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। आमेन। वो क्या कहता है? क्योंकि वो ऐसा मनुष्य है जो मन में हिसाब लगाता है। दुनिया के पास आप मांगने के लिए जाएंगे ना बेटा, दुनिया के पास आप नौकरी करेंगे, हिसाब लेगा वो। आपको 10,000 रुपए देगा तो कम से कम 50,000 का फायदा कराएगा आपसे। अगर आपसे 50,000 का फायदा नहीं होगा तो आपको 10,000 रुपए नहीं देगा, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी हम दुनिया के पास जाते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया के बगैर हमारा चलेगा नहीं। अगर दुनिया नहीं है, समाज नहीं है, तो भैया हमारा क्या होगा? जो भी आपको कोई देता है ना, वो हिसाब लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा यीशु हिसाब नहीं लगाता है। वो क्या कहता है? मेरे पास आओ, मुझे जानो, मेरे पास आओ। मेरे भाई, हम यीशु के पास आए, हम उसे जाने कि उसके मन का प्रेम क्या है, उसकी योजनाएं क्या है। उसने सृष्टि की रचना की है ताकि हम उस सृष्टि में रह सके और उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने अपने चेलों से कहा कि इन्हें मेरे पास लाओ, उसके बाद क्या कहा? कि इन्हें 50-50 की पंक्तियों में बिठा दो। यही दृष्टांत अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, 9:14 में उसमें लिखा हुआ है, लूका 9:14 में, कि उसने कहा है कि इन्हें 50-50 की पंक्तियों में बिठा दो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कराने आए थे ये लोग यीशु मसीह के पास? चंगाई कराने के लिए, चंगे होने के लिए आए थे। इन्हें नहीं पता था कि हमको वहां रोटी मिलने वाली है। इन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर की यीशु मसीह स्वर्गीय रोटी हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको नहीं पता था, लेकिन जब ये उसके पास गए, जब उसके करीब गए, यीशु मसीह के करीब गए, तब उसने क्या कहा? इन्हें बैठा दो। अगर हम यीशु मसीह के पास आकर बैठना शुरू कर देंगे, अगर हमने जान लिया कि हमें यीशु मसीह में ठहरना है, यीशु मसीह चाहता है जो बच्चा मेरे पास आया है वो चंगाई पाकर भागे ना, वो चंगाई पाकर बैठ जाए। जब आप इन बैठेंगे, जब आप इंतजार करेंगे, जब आप परमेश्वर को जानेंगे, जब आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे और जब आप उसकी महिमा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपने आप काम करेगा। इनमें से किसी ने भी रोटी नहीं मांगी, इनमें से किसी ने भी रोटी नहीं मांगी,
लूका 9:14 लगाइए, लूका 9:14 उसमें कहा 50-50 की पंक्तियों में इनको बिठा दो, पढ़ो बेटा। तब उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो, पाती पाती पंक्ति पंक्ति बैठा दो, और वो लोग बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, क्या खाना वहां पर था? क्या रोटी थी? जंगल था। जब आप यीशु के करीब आते हैं तो आपके लिए यीशु का हर वचन एक सच्चाई बन जाता है, एक वास्तविकता बन जाता है। उसके मुख से निकला हुआ हर वचन एक सत्य बन जाता है कि प्रभु ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। वहां जंगल था, बियाबान जंगल था, निर्जन स्थान था, वहां कोई आता नहीं था, जाता नहीं था, वहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, और वहां पर यीशु मसीह कहता है इनको बैठा दो 50-50 की पंक्तियों में, 50-50 के झुंड में। मुझे यहां पर कलीसिया दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इसी तरह कलीसियाओं को डिवाइड किया। देखिए, संगति बहुत जरूरी है। आपकी संगति आपको शक्ति देती है। संगति में एकता है, संगति में प्रेम है, और संगति में परमेश्वर का सामर्थ है। अगर आपकी संगति गलत तरीके से है तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपको यीशु के देखने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए आपकी संगति सही लोगों से होनी चाहिए, सही लोगों से जो सच जानते हैं, जो उस सत्य को समझते हैं, जो यीशु को जानते हैं। अगर आपकी संगति नहीं है सही, आप बिखरे रहेंगे। चाहे आप कलीसिया आते हैं लेकिन घर जाकर अगर आपकी संगति कहीं और है, किसी दूसरे लोगों से है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आप पर फर्क पड़ेगा, आप पर फर्क पड़ेगा। आपकी संगति सही होनी चाहिए। जो पहली सदी के चेले थे, जब उनको परमेश्वर ने चुना था, वो क्या करते थे? वो संगति में रहते थे। एक्स 2:42 पढ़ेंगे हम, प्रेरितों के काम 2:42 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो वो लोग थे वो रोज संगति में रहते थे, रोज रोटी तोड़ते थे, रोज प्रार्थना में लवलीन रहते थे, रोज नई शिक्षा प्राप्त करते थे। एक्स 2:42 में आप पढ़िएगा, अगर आप पढ़िए बेटा है। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। संगति के साथ ही परमेश्वर का प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास कहां बढ़ता है? जब आप संगति में होते हैं। अगर आप गलत संगति में हैं, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक परिवार, एक मन, एक दृष्टिकोण के संग प्रभु की सेवा करे। हेलो, एक मन एक दृष्टिकोण। अगर आपका परिवार एक मन एक दृष्टिकोण नहीं है तो आपके परिवार में कमजोरी है। आप कुछ सोच रहे हैं, आपका पति कुछ सोच रहा है, आपका पिता कुछ सोच रहा है, आपके बच्चे कुछ सोच रहे हैं, वो स्ट्रेंथ वो शक्ति आप महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पूरे परिवार का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, एक मन है, एक विचार है, एक दृष्टिकोण है, एक प्रेम है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि शैतान आपके परिवार में काम नहीं कर पाएगा। आपका एक मकसद होना चाहिए। Praise the Lord। बाइबल में लिखा हुआ जब दो व्यक्ति एक ही इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। मत्ती 18:19-20 देखिए,
क्यों? क्योंकि आपका एक मन है, आपकी इच्छा एक है। पढ़िए बेटा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। हो जाएगी। आप अगर घर में प्रार्थना कर रहे हैं एक मन से, आप पति पत्नी हैं, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, पति पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर कार्य करेगा और आपके बच्चे को आशीष मिलेगा, वो सही रास्ते पे आएगा। आप अपने घर में छोटी से छोटी चीजों को जब करते हैं ना, उसके एक्सपीरियंस को लीजिए। अगर एक मन नहीं होता है, उदाहरण लीजिए, मान लो आप टीवी चला रहे हैं, पति पत्नी का अगर एक मन नहीं है, उसको देखना है समाचार, उसको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ना आप तारक मेहता का उल्टा देख पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे। आप मान लो आपको भूख लगी है, आज कहीं से पैसा मिल गया है एक्स्ट्रा, और आप कहते हैं कि नहीं होटल से खाना मंगाते हैं, उसमें भी अगर आपका एक मन नहीं है तो तृप्त नहीं हो पाएंगे। एक कहेगा चिकन, एक कहता नहीं यार चिकन खाए बहुत जमाना, तो पनीर की सब्जी मंगाते हैं यार, पनीर नहीं 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 पनीर नहीं, नहीं दाल अच्छी रहेगी, दाल मंगाते हैं। तो पता चला आपका पैसा भी खर्च हुआ और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला। एक मन नहीं है आपका। आप, मैं कह रहा हूं, आप देखिएगा, अगर पति पत्नी का एक मन नहीं है तो आपके घर में शांति बहुत कम होगी। एक मन एक दृष्टिकोण से आप काम करिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है एक मन एक दृष्टिकोण। हालेलुया। पढ़ो बेटा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे। हाँ हाँ, वो हो गया, वो हो गया। हालेलुया। हम इधर आते हैं कि उनका एक मन, उसने क्या कहा कि 50-50 की पंक्ति में बैठा दें। अगर उनमें से एक मन नहीं होता तो कोई बैठता? कोई बैठता? उनको आशीष मिलती? नहीं मिलती। उसने क्यों कहा यीशु मसीह ने कि 50-50 की पंक्तियों में बैठा दें? जब यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है ना, तो वो चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप में कितना विश्वास है, आप उसकी बात को कैसे मानते हैं, आप उसके तरफ कैसे देखते हैं। ये विश्वास का प्रमाण था कि खाना नहीं है, प्लेट नहीं है, खानों का बंदोबस्त भी नहीं है, कहीं से कोई खाना लेने के लिए गया यह भी नहीं पता चला है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि खाने के लिए बैठ जाओ, 50-50 की पंक्तियां लगाओ, और वो लोग बैठ गए। आमीन। ये है विश्वास में चलता, ये है वो धार्मिकता जो इब्राहिम की थी। इब्राहिम का कोई बच्चा नहीं था। अगर हम उत्पत्ति 15:6 पढ़ेंगे, इब्राहिम के पास कोई बच्चा नहीं था। उसकी उम्र उस समय 75 थी और उसकी पत्नी की 65। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने विश्वास किया। पढ़िए बेटा उत्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने, पांचवा पढ़ो, पांचवा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? देखिए क्या है, इससे पहले अगर हम पढ़ेंगे 4,
तो वो कह रहा है कि साहब मेरे पास वंश नहीं है, तो मुझे क्या देगा, मेरे पास तो औलाद ही नहीं है, और मेरा जो उत्तराधिकारी है ये एलीजर है, वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। हेलो, जो पीछे भाई बहन बैठे हैं समझने की कोशिश करिए, परमेश्वर क्यों आपको बाहर निकालना चाहता है, क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप संसार की बुद्धि से काम ना करें। आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, आपने जो सोचा है, वही सत्य नहीं है। जब इब्राहिम बोल रहा था कि साहब मुझे मेरे बच्चे क्या होंगे, अभी आप अब तू मुझे क्या बच्चे देगा, टेंट के तंबू के अंदर बैठा हुआ है और परमेश्वर से बात कर रहा है कि तू मुझे क्या तंबे देगा। पढ़िए बेटा चौथा से, पढ़िए चौथा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वो तेरा वारिस होगा। आगे, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमेन, हालेलुया। समझने की कोशिश करिए, परमेश्वर जब आपको अपने पास बुलाता है तो वो आपको अपने, आप जहां बैठे हुए हैं, जहां पर आप लिमिटेड हैं, जहां पर आप सीमित हैं, उस दिशा से, उस दशा से आपको बाहर निकालना चाहता है। आपने सोच लिया कि आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, आपने सोच लिया कि आपके जीवन में अभी कुछ नहीं, आपका आपका पति बदलने वाला नहीं है, आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है, आपके कर्ज मुकल, आपके कर्ज निकलने वाले नहीं है, आपने सोच लिया है। प्रेज द लॉर्ड, सोच लिया आपने, और सोच की गहराई आपके अंदर है कि नहीं साहब अब कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया, हमने डॉक्टर्स को दिखाया, हमने इसको दिखाया, हमने उसको दिखाया, लेकिन अब हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने सोच लिया है, सोच लिया हमने। इधर आ बेटा, इधर आ, जल्दी आ, कुर्सी पे बैठ, इधर आगे कुर्सी आगे करो, ये दे दो कॉपी, दे दो दीदी को कॉपी, दे दो पेन, ये दे दो सब कुछ, दे दो सब कुछ, दे दो पेन भी दे दे। हालेलुया, हमने सोच लिया है एक जगह बैठकर कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना मेरे जीवन में अब कोई बाहर आने वाली है, ना मुझे चंगाई मिलने वाली है, ना ही मेरे जीवन में कोई सुख होने वाला है। आपने समझ लिया है और आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया है, जैसे इब्राहिम ने सेट कर लिया था कि नहीं अभी मेरा बच्चा नहीं होगा, अभी जो एलीएजर है यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको अपने पास क्यों बुलाता है? प्रेज द लॉर्ड। तब उसने क्या कहा, पांचवा क्या कहा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, एक मिनट, अब उसने कहा बाहर आ, उस सोच से बाहर आ, जो सोच तुझे दुनिया ने दी है कि तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे ऑफिस वालों ने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे परिवार वालों ने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे डॉक्टर ने कहा कि तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी बीमारी चंगी नहीं होगी, यीशु कहता है बाहर आ, उस सोच से बाहर आ, और देख ये तारे, देख ये तारागण, तू अपने वंश की बात करता है, तू एक बेटे की बात करता है, तेरा वंश तारागण के समान होगा। हेलो, बाहर आओ, हमें बाहर निकलना है, हमें यीशु की तरह सोचना है। इसलिए जब फिलिपुस ने रोटी बना कर दी कि रोटी नहीं है इनके खले खाने के लिए, 12,000 लोगों के लिए खाना नहीं है, उसने कहा इनको मेरे पास लाओ और इनको बिठाओ, इनको बिठाओ। जब आप यीशु मसीह में बैठ जाते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होती है, हमें जरा सी चंगाई मिलती है, चंगाई मिली और हम निकल गए, फिर किसी दूसरे चर्च में, किसी दूसरे जगह, दूसरी जगह चले जाते हैं और वो बीमारी दोबारा आ जाती है। प्रभु आपको चंगा क्यों करता है पता है आपको? प्रभु आपको चंगा इसलिए करता है, वो बताता है
कि मुझे जानो मैं कौन हूं, मैं अगर तुम्हारी इस बीमारी से तुम्हें मुक्त कर सकता हूं तो मैं तुम्हें जीवन में और क्या नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन क्या होगा कि तुम्हें मेरे लिए मेरे पास बैठना पड़ेगा। जब आप बैठेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, जब आप इंतजार करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को, जब आप यीशु के मुख से निकले हुए वचनों को अपना बना लेंगे कि यस यीशु ने कहा है बैठ जा, लोग कहते हैं ये जंगल है, लोग कहते हैं यहां रोटी नहीं मिलेगी, उसके चेले कहते हैं यहां रोटी नहीं मिलेगी, उसके चेले कहते हैं खतरनाक है, जानवर भी आ सकते हैं, उसके चेले कहते हैं कहीं बाहर जाके रोटी लेकर आओ, लेकिन यीशु ने कहा है कि बैठ जाओ और जितने भी लोग थे 12,000 लोग बैठ गए। यीशु ने कहा है न कोई डर न कोई संदेह, हमें यीशु के पास बैठना है। उनको नहीं पता था कि रोटी कब मिलेगी, उनको नहीं पता था कि रोटी आज मिलेगी या कल मिलेगी या दो दिन के बाद मिलेगी या महीने के बाद मिलेगी, उनको नहीं पता था, उनको सिर्फ वो आज्ञा पता थी, वो आवाज पता थी, परमेश्वर का निर्देश पता था कि बैठ जाओ। हमें यीशु में बैठना है, हमें यीशु मसीह के पास बैठना है और इस विश्वास के संग बैठना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मेरा अच्छा होगा। मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, मुझे नहीं पता कि मेरी बीमारी कब ठीक होगी, मुझे नहीं पता कि मेरे घर के हालात कब ठीक होंगे, मुझे नहीं पता कि मेरी तरक्की कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे यीशु मसीह के साथ बैठना है। उसने कहा है बैठ जाओ रोटी मिलेगी। इतना ही बहुत है। जिस दिन मेरी बहन आपके अंदर यह विश्वास आ गया कि मुझे यीशु का बने रहना है, मुझे बैठना है, हालेलुया, वो आपका पालन पोषण खुद करेगा, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप घमंड करते हैं कि आप अपनी बुद्धि से कमाते हैं तो आप बेवकूफ हैं, अभी भी परमेश्वर ही आपको दे रहा है, अभी भी प्रभु ही आपको दे रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अपना साम्राज्य आपने बनाया है, समोसे बनाने आपने सीखे हैं, ये परमेश्वर ने सिखाया है। क्यों आपके समोसे लोगों को अच्छे लगते हैं, क्यों आपके समोसे 2 घंटे में बिक जाते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आशीष है। Praise the Lord। बुद्धि तो फिलिप किसकी थी कि अरे यीशु गुरु इनको यह खाना नहीं मिलेगा, वो गुरु को बोल रहा है, वो परमेश्वर को बोल रहा है कि यहां नहीं मिलेगा। अरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यही तो यीशु मसीह बताने वाला था। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे चेलों, जो मुझ पर विश्वास करता है, तुम मेरे पास आए हो, मैंने तुम्हें चंगा किया है, बैठ जाओ। और जब तुम विश्वास के संग बैठोगे, अपने जीवन में असंभव का संभव होते हुए देखोगे, अपने जीवन में असंभव को संभव होते हुए देखोगे। चाहे कोई भी तकलीफ तुम्हारे सामने क्यों ना हो, चाहे कैसी भी स्थिति तुम्हारे सामने क्यों ना हो, चाहे कैसे चट्टान तुम्हारे सामने क्यों ना हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के कहने पर बैठे हो, तुम यीशु मसीह के कहने पर हो, इसलिए तुम्हारा अच्छा होना निश्चित है। आमीन। जब हम यीशु मसीह में बैठ जाते हैं ना मेरे भाई, जब हम यीशु मसीह के लिए बैठ जाते हैं,
जब उसकी आज्ञाओं पर बैठ जाते हैं, जब उसके कहने पर चलते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप के मांगने से पहले परमेश्वर आपको देगा। आप सिर्फ यीशु के कहे अनुसार अपने जीवन को बिताइए। क्या उन्होंने चेलों से पूछा, वो जो लोग आए थे, पब्लिक आए थे, चेलों से पूछा कि भैया हम बैठे हैं? नहीं। क्यों यीशु मसीह ने पास में बुलाया? ताकि वो जान सकें कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं। क्यों वो कहता है कि मेरे पास बैठ? क्योंकि वो बताना चाहता है कि तू किसके लिए तड़प रहा है, रोटी के लिए? जब 5,000 लोगों को रोटी खिलाई, जब 4,000 लोगों को रोटी खिलाई, और उसके बाद जब उसके चेले जा रहे थे तो चेले आपस में फूट पड़ गई कि साहब ये रोटी की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे तुमने अभी नहीं देखा, मैंने 5,000 को रोटी खिलाई, 4,000 को रोटी खिलाई, अभी भी तुम पूछ रहे हो कि मैं रोटी के लिए चिंतित हूं? प्रभु क्यों चाहता है कि आप बैठ जाएं? प्रभु क्यों चाहता है कि आप उसके करीब आएं? प्रभु क्यों चाहता है कि आप उसे समझें कि आप रोटी की चिंता मत करिए, अपने जीवन का पालन पोषण की चिंता मत करिए। इफिसियों 5:29 क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 5:29 साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़िए बेटा। इफिसियों 5:29, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह कौन है? देह है। कलीसिया क्या है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की देह कौन है? कलीसिया। हम कौन है? उसके अंग। बाइबल क्या कहती है? वचन क्या कहता है? इफिसियों 5:29 कि मसीह अपनी देह का पालन पोषण करता है। आप स्थिर रहिए, आप परमेश्वर में स्थिर रहिए, आप यीशु मसीह में स्थिर रहिए, आप यीशु मसीह में स्थिर रहिए। जो यीशु ने कहा है उसके अनुसार चलिए। आप कलीसिया आए हैं, परमेश्वर के चरणों में आए हैं, अपने आप को समर्पित किया है, आप भूल जाइए कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं। आप परमेश्वर के वचन पे चलिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपने अपना बोझ यीशु पे डाला है, विश्राम वो आपको देगा, विश्राम देगा वो आपको। इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मेरे जीवन में कब क्या चीज होगी। आपको सिर्फ यह धन्यवाद करना है कि मेरे जीवन में ये चीज होगी, होगी। आज मेरा पति दूर है, कल आएगा, आएगा। निश्चिंत हो जाइए, आपने यीशु से मांगा है। और मैं आपको सच बताऊं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपको क्या चाहिए, आपसे ज्यादा यीशु को पता है। ये जितने 12,000 लोग थे, ये भूखे थे, क्या इन्होंने रोटी मांगी? नहीं मांगी। यीशु का संदेश सुनते रहे। किसने कहा इन्हें रोटी दो? यीशु ने। किसको चिंता है? यीशु को। यीशु की, यीशु को चिंता है आपकी। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, सिर्फ एक काम है, हम प्रभु में आए हैं, हमने यीशु को अपना प्रभु माना है, हमने उस पर अपना बोझ डाला है, हमें उसके सामने बैठना है, विश्वास के संग बैठना है, हालेलुया, आशा के संग बैठना है। कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं। शैतान कई डर लेकर आएगा, कई संदेह लेकर आएगा,
लेकिन आप कहां बैठे हैं? यीशु मसीह के पास बैठे हैं। आपका बुरा हो ही नहीं सकता, आपका अच्छा होगा। इस चीज पर मोहर लगा लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ विश्वास के संग बैठिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपके हर आपकी हर कमियों को, आपकी हर जरूरतों से आपको तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आपने सुना, आशीष भाई आपने बोलिए जोर से, यीशु मसीह की जोर से बोलिए, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।